अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूं ऐशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा व्लॉग है, फुल देखिएगा। चित्राना हुसैन का करा रही है लास्ट वर्क जो रह गया था, ये ना इंग्लिश का जो एच बनाना है तो ये बनाना ही नहीं चाह रहा था, एक अल्फाबेट बिल्कुल बनाना नहीं चाह रहा था ये वाला। अब बीच में तो लाइन बनाओ। अब सिद्रा से ना इसकी बहुत बनती है। वेरी गुड। अच्छा थोड़ा साइड में लेकर आई हूं साइड वाले। और सब तो कर लिया था इसने। सीधा कलर भी करने हैं शायद इसमें। कलर ही क्या कलर, मैं लास्ट में करूंगी। हाँ लास्ट में करा देना, मुझे पता है। हुसैन लास्ट है नहीं आपका। दादू 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 सीरियस होके पढ़ाई कर लो। सीरियस हो गए, अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो, फिर मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। नहीं तो कर लो, चलो नाराज हो जाऊंगी। आप कर लो। यस आपने खाओगे खाना हुसैन, जल्दी आओ लंच टाइम में। कुछ भी नहीं खाना है। फिर खाने के बाद अब हम खाएंगे मैंगो। जो सच्चाई है वही दिखानी चाहिए ना, अच्छा सही है ये। तो देखिए लंच के बाद अब बच्चे खाएंगे मैंगो, और मेरे बच्चों को ना आम बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये लोग लंच के बाद भी डिनर के बाद भी दोनों के बाद खाते हैं आम, और पूरे साल में तो एक बार इसका सीज़न आता है तो सब लोग खाते हैं शौक। तो मम्मा अब रात में हमारे लिए बना रहे हैं आलू, बना रही हैं आलू के पराठे। हमारी फरमाइश हुई थी, हम सब लोगों को बहुत पसंद है आलू के पराठे, मिर्ची मिर्ची के गरम गरम और तेल में लोडेड। वैसे ये बुरा तो है पर लेकिन यस यमी लगते हैं। लोडेड नहीं, मैं बहुत कम ऑयल लगाती हूँ बेटा। कोई देख कर भी समझ सकता है। और मैं खुद आलू की पराठा नहीं बल्कि रोटी बना के खाऊंगी, ऊपर से हल्का सा उसके बटर लगा लूंगी। ओ वाओ यमी। सब लोग ना रूम में ही बैठकर खा रहे हैं। अब इस बार उमरा को भेज देना, ठीक है, उमरा लेकर जाएगी। The next day. तो आज है मंडे और चलते हैं किचन में। सुबह के बज रहे हैं 6 और काफ़ी दिन निकल चुका है, बच्चों का टिफ़िन पैक करना है तो लाइट ऑन करते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। अंदर चल के बैठो, आ रही हूँ मैं, है ना, आपका टिफिन पैक कर कर आ रही हूँ। उमरा क्या बेटे, उमरा नहीं आ रही अपनी पोनी बनाने के लिए? हाँ उमरा को भी बुला कर लाइए। मैं अपनी चाय भी, मेरी चाय बन गई है, ये लेकर आ रही हूँ। गाड़ी को चलाना, कभी चोट लग जाए मुझे। अच्छा भाई हाँ, ओके। तो हुसैन ने अपने अब्बा से बोला है गाड़ी सही से चलाना, कभी मुझे चोट लग जाए। देखिए हुसैन अभी अभी बिल्कुल स्कूल से आया है, और उसका बैग देखिए। हुसैन बैग वहाँ पर क्यों रखा आपने? मैंने बोला है ना आपको, जहाँ बैग रखना है वहीं पर रखना है, कबर्ड में रखना था ना। आपसे नहीं खुलती है और ये आईपैड लाना आता है आपको कबर्ड में से है। अच्छा रो नहीं, रो नहीं, फिर मैं डांट दूंगी आपको। क्या खाओगे बताओ जल्दी। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, आओ जल्दी से मम्मा के पास आ जाओ, आ जाओ जल्दी आओ। नहीं कुछ खाना है? मैंगो लाओ कट करके। फिर आपने अपना टिफिन फिनिश किया? अच्छा ये बताओ लंच बॉक्स में क्या क्या था? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। कुछ नहीं था। तो पराठा फिनिश किया? यस फिनिश किया, पर दे दो अब तो प्राइज। और अभी दे देती हूँ। मैम ने आपको क्या क्या बताया ये बताइए मुझे। नहीं। और वो हॉलीडे होमवर्क जो था वो दे दिया मैम को सब? यस।
वो फ्रूट्स जो बनाए थे क्ले से वो दे दिए मैम को? नहीं। ओ क्यों? सॉरी, मैंने बोला था ना आपको सारा देना है मैम को। चलो इट्स ओके। अभी निकाल कर लाती हूँ सरप्राइज। पहले तुम्हारा बैग तो ले लो। अरे वाटर बॉटल कहाँ है सैम की? वाटर बॉटल वहाँ पर। कहाँ पर? हाँ देखिए बैग कारपेट पर। और सैम तुम क्या करते हो ये? अरे वाह ये क्या मिला था हुसैन को? मैम ने क्या दिया था? वेलकम स्माइली फेस। अब नहीं डालना ये गंदी बात होती है। बैग भी अंदर लेकर आते हैं मम्मा के पास। सरप्राइज दे रही हूँ बेटे, अभी दे रही हूँ, दे रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसा रहा आज का दिन बच्चों? सॉक्स लेके आ गई। पता है बच्चों के सॉक्स बहुत जल्दी खराब होते हैं, उसमें ना कट लग जाता है। नहीं इस साल का तो सेकेंड ही है बेटी। अभी तो स्टार्ट हुआ है सेशन। वैसे मतलब कर लेती हो आप, बहुत बेकार, बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं इनके। चलो अपने अपने लंच बॉक्स निकाल के रखो सिंक में, वहीं पर वॉश कर दूंगी मैं सबसे पहले, भी आकर ये करूंगी। चेंज करके आ जाओ बेटे, मैं खाना लगा लेती हूँ। अच्छा और टिफिन में तो कुछ नहीं है? नो। फिनिश करके आई हो? कैसा लगा? बहुत ही। अच्छा फ्रेंड को अच्छे लगे? उमरा कह रही है मैंने अपनी फ्रेंड को भी खिलाया आलू के पराठे, उसको भी अच्छे लगे। और आपकी फ्रेंड ने क्या खिलाया आपको? बैंगन की। तो अच्छा तो होता है, सब्जी तो अच्छी होती है। नहीं तो अच्छी नहीं लगती तो मैं अंदर रख लिया अपना टिफिन बॉक्स। मैंने उसे पकोड़े खाया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही शेयर करके खाना चाहिए। चलो अब लगाते हैं खाना। सिद्रा आओ खाना खा ले। मम्मा की बेटा आपके लिए आएगा बिना बटर। अच्छा बच्चों ने ना आज येलो राइस बनवाए अपने लिए। ठीक है। पढ़ाई की तुमने? Yes, अच्छा आज ना बहुत देर से उमरा और सिद्रा की लड़ाई हो रही है, तो सिद्रा को मैंने बिठाया इसके रूम में पढ़ने के लिए और उमरा मेरे साथ पढ़ रही है, जिससे दोनों बच जाए लड़ने से। और लड़ाई पता है किस बात पर हो रही है? पेन के ऊपर। उमरा के पेन नहीं मिल रहे हैं। उमरा बोल रही है सिद्रा तुमने कहीं डाले हैं, और सिद्रा बोल रही है मम्मा मैंने नहीं डाले हैं। तो दोनों की लड़ाई। बताओ क्या लड़ाई थी आपकी? हाइलाइटर्स के ऊपर थी। अब खत्म हो गई लड़ाई? मिले? अभी मिले तो नहीं। नहीं मिले? चलो मैं भी ढूंढ के दूंगी। ठीक है हुसैन अब आप भी इसको छोड़ दो, चलो होमवर्क कराती हूँ पहले आपका जल्दी, फिर डिनर भी कराना है। आओ चले सीधा इसको बैग लग के देना। चलो सब लोगों को हाय हेलो बोल दो, सलाम कर दीजिए। सलाम दूर से सलाम करिए। हेलो नहीं सलाम करिए, सलाम अस्सलाम वालेकुम। अब छोड़ दीजिए इसको, सिद्रा इसका आईपैड रख के आओ। चलो सिद्रा चार्जिंग लगा दो इसको, इसका बैग ला के दो मुझे। ठीक है हुसैन अभी पहले होमवर्क करेंगे। अच्छा सरप्राइज गिफ्ट चाहिए? नहीं चाहिए तो पहले होमवर्क करो। तो देखिए मैं अब हुसैन को पढ़ा रही हूँ। हुसैन क्या बोल रही हो? नेक्स्ट इन लाइन कुकिंग मास्टर है। मैं ट्राई कर रही हूँ ब्राउन के साथ नूडल्स बनाने के लिए। अभी ट्राई करूंगी, पता नहीं कैसे बनेंगे। तो अब हम पढ़ा रहे हैं सेन को, तो ये कंटिन्यू रखते हैं। बड़ी मुश्किल से बैठा है, पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बी फॉर व्हाट बोल? बी फॉर लैम। यस बी फॉर कप। कप बी फॉर नॉट कप। बी फॉर ये क्या है आप बताओ? पता बता। रिफ्लेक्शन कमिंग फ्रॉम द वाटर डाउन अ बॉक्स।
तो देखिए हुसैन ना पढ़ाई कर रहा है खुद। हुसैन बुक का टूटना साइड कैसे खोलना है पे? अच्छा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मुझे हॉल देखने दो। तो अब चलते हैं किचन में। उमरा क्या कर रही हो बेटे? मैं नूडल्स बना रही हूँ इस रेसिपी से। दिखाओ इधर दिखाओ कौन सी रेसिपी से। आपकी मम्मा की रेसिपी तो सब देखते हैं, आपको ये अच्छी लग रही है। Yes. तो उमरा बना रही है नूडल्स। दिखाती हूँ मैं पूरा इसका सेटअप। तो ये बॉइल हो रहे हैं नूडल्स और ये कुछ सब्जियां, कुछ भी नहीं है, हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक है, हमें वेजेस अच्छी नहीं लगती। हाँ तो ये शिमला मिर्च है हमारे पास, लेकिन ये लोग ना खाते नहीं है वेजेस, तो इसलिए जो ये खा सकते हैं वो डाल रहे हैं। तो अपने खाने पीने के लिए तो माशाल्लाह उम्रा करने लगी है। चलिए तो अब चलते हैं रूम में और दिखाती हूँ सिद्रा क्या कर रही है। सिद्रा पढ़ाई हो गई बेटे, आओ तो इधर। उम्रा आपके लिए नूडल्स बना रही है। ये अरे इधर तो आओ, भाग रही हो। सब लोगों को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो देखिए बच्चे खाएंगे अब नूडल्स और इसी के साथ हम भी अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। और आप लोग बिल्कुल अच्छे से नहीं देख रहे हैं आप ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा वरना घर में आऊंगी स्पाइडर और उस बेड पे डाल दूंगी आपको, बता रही हूं। स्पाइडर से कोई नहीं डरता, तुम ही डरती हो। सब लोग डरते हैं ऐसे दुनिया में, कोई नहीं डरता स्पाइडर से। अच्छा तो अगर आप लोग बचना चाह रहे हैं स्पाइडर्स से तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वरना सिद्रा आने वाली है सबके घर पर स्पाइडर्स लेके। इतने बड़े वाले स्पाइडर लेकर आऊंगी। अच्छा तुम तो मतलब किसी को रिक्वेस्ट नहीं करती हो, डराती हो। डराने से ही लोग मानते हैं। अच्छा चलो जाओ खा लो नूडल्स, अभी तो बनी रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कि उम्रा के नूडल्स बने क्या नहीं। उम्रा बने हैं नूडल्स, बताओ कैसे बने हैं। उम्रा नहीं बनाए तो अब एक एक डिश ना उम्रा वाली भी आपके साथ शेयर किया करेंगी। अभी तक तो उम्रा की मम्मा कर रही थी, वो उम्रा की भी छोटी छोटी सी जो डिश है। तो जो भी छोटे छोटे से बच्चे हैं 12 ईयर के 11 ईयर के, उम्रा ना 12 ईयर की है, तो वो उम्रा वाली डिशेस बना के अपनी मम्मा को खिलाया करना, ठीक है। चलिए तो बस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और बहुत सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।